Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video lecture, you will learn about valuation in detail, like its meaning, objectives, methods, importance and auditor's duties regarding this. मैंने verification को already पढ़ा रखा है अपने channel पे. अगर आपने नहीं देखा तो उसका link I button और description दोनों पे ही मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं. और हाँ, अगर channel पे नए आए हैं तो subscribe जरूर कीजिएगा ऐसे ही और भी videos को देखने के लिए. चलो फिर शुरू करते हैं. देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग को. तो मीनिंग क्या होता है वैल्यूएशन का? वैल्यूएशन का मतलब होता है फाइंडिंग आउट करेक्ट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन अ पर्टिकुलर डेट. किसी पर्टिकुलर डेट में एक पर्टिकुलर एसेट का क्या करेक्ट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना, दैट इज वैल्यूएशन. मींस जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस डेट में किसी एसेट का क्या करेक्ट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन. ये क्या है? एक एक्ट है जिसमें आप डिटरमाइन करते हैं एसेट की वैल्यू को, साथ ही साथ जो आपने वैल्यू फाइंड आउट किया है उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि जो वैल्यूएशन किया गया है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए किया गया है या नहीं. जो वैल्यूएशन होता है एसेट का, अब वो करता कौन है? सवाल ये उठता है कि भाई मैम, वैल्यूएशन जो एसेट का है वो कौन करता है? क्या ऑडिटर खुद करता है? तो नहीं. यहाँ पे आंसर क्या होगा कि नहीं, ऑडिटर खुद एसेट या लाइबिलिटी का वैल्यूएशन नहीं करता, ऑथराइज्ड ऑफिसर करता है. जिस कंपनी में ऑडिट परफॉर्म किया जा रहा है उसका ऑथराइज्ड ऑफिसर ही वैल्यूएशन करता है, ना कि ऑडिटर करता है. तो यहाँ पे ऑडिटर की ड्यूटी क्या बनती है कि उस ऑथराइज्ड ऑफिसर ने जो वैल्यूएशन किया है वो प्रॉपरली किया है या नहीं, वो ये इंश्योर करता है कि जो वैल्यूएशन किया गया है वो प्रॉपर है या नहीं, साथ ही साथ उसके रिगार्डिंग एविडेंसेस हैं या नहीं, कि जो वैल्यूएशन किया गया है वो सही तरीके से किया गया, इसका कोई प्रूफ उस ऑफिसर के पास है या नहीं, है ना. वैल्यूएशन बेसिकली जो ड्यूटी है ना वैल्यूएशन को परफॉर्म करने का, वो प्राइमरली कंपनी के ऑफिशियल की होती है, ना कि ऑडिटर की होती है. ऑडिटर कभी भी वैल्यूएशन खुद से नहीं करता, बस कंपनी के ऑफिशियल के द्वारा जो वैल्यूएशन किया गया होता है उनको वो चेक करता है. मीन्स कि जो भी वैल्यूएशन किया गया है वो ऑडिटर को रिलाई करना पड़ता है उन लोगों पे कि हाँ भाई आप लोगों ने किया है तो चलो मैं बस उसको वेरीफाई कर लेता हूं, ना कि मैं इस वैल्यूएशन को खुद से परफॉर्म करूंगा. क्लियर है? तो अब यहाँ पे कहा गया है कि जो वैल्यूएशन है, अगर आप विदाउट वैल्यूएशन वेरिफिकेशन ऑफ एसेट इज नॉट पॉसिबल. अगर वैल्यूएशन नहीं होगा तो एसेट का वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है. तो देखिए, हमने जब वेरिफिकेशन पढ़ा था ना कि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट में क्या होता है कि वेरिफिकेशन का मतलब होता है वेरीफाई करना कि जो एसेट है वो फ्री फ्रॉम चार्ज है या नहीं, उसका एग्जिस्टेंस बिजनेस के पास है कि नहीं, उसका ओनरशिप टाइटल बिजनेस के पास है कि नहीं, पोजीशन है कि नहीं, फ्री फ्रॉम चार्ज है कि नहीं, साथ ही साथ उसका प्रॉपर वैल्यूएशन किया गया है नहीं. तो इन सारे चीजों को वेरीफाई करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट. तो अगर आप वैल्यूएशन नहीं करोगे तो वेरिफिकेशन कंप्लीट कैसे होगा? तो अगर आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो वैल्यूएशन करना इंपॉर्टेंट है. मींस व्हाट? कि बिना वैल्यूएशन के आप वेरिफिकेशन कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है. तो अगर आपका एसेट का वैल्यूएशन जो है वो अगर करेक्ट नहीं होगा तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता. अब मान लो कि किसी एसेट की वैल्यू 15,000 रुपीज है और आप बैलेंस शीट में लिख दो 10,000 रुपीज, है ना, तो क्या हो गया? क्या आप सही फाइनेंशियल पोजीशन पे पहुंच पाओगे कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? नहीं पता कर पाओगे, ना ही आप अपना सही प्रॉफिट या लॉस पता कर पाओगे. दैट मींस कि आप अगर वैल्यूएशन सही नहीं करते एसेट का तो ना ही आप सही बैलेंस शीट बना सकते हो, ना ही सही प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हो, जिससे कि ना ही आपका सही फाइनेंशियल पोजीशन पता चल पाएगा, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस पता चल पाएगा. That means कि ऑडिटर को बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द एसेट, क्योंकि जो वैल्यूएशन होता है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है आपके बिजनेस के बारे में, आपका क्या फाइनेंशियल पोजिशन चल रहा है इसके बारे में. तो चलो आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, क्यों करते हैं हम वैल्यूएशन. तो फर्स्ट है टू एक्सेस द करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंसर्न. सही फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम वैल्यूएशन करते हैं कि भाई एग्जैक्ट क्या फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे बिजनेस का. अब दूसरा, टू इंक्वायर अबाउट द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ द
कंसर्न किस मोड में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है हमारे कैपिटल का, इसको पता करने के लिए, इसकी इंक्वायरी करने के लिए हम वैल्यूएशन करते हैं, है ना। एक्सेस द गुडविल, कंसर्न के गुडविल को एक्सेस करने के लिए हम वैल्यूएशन करते हैं। साथ ही साथ टू एवेल्युएट द डिफरेंसेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन द डेट ऑफ द परचेज एंड द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। एक एसेट में क्या डिफरेंस आया जब उसको खरीदा गया और जिस टाइम में बैलेंस शीट बनाया गया है, इसको इवेल्युएट करने के लिए। सपोज एक मशीनरी खरीदी गई तो उसका प्राइस था 15,000 रुपीज, और अब जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो उसका प्राइस क्या है। तो अगर आप उसकी वैल्यू निकालते हो तो पता चलता है कि भाई अभी जो हमारा मशीन है ना उसका प्राइस 10,000 रुपए आ गया है। दैट मीन्स कि अब जो ओनर है या जो शेयर होल्डर है उसको ये पता लगेगा कि भाई हमारे एसेट्स जो हैं उनका अभी करेंट प्राइस क्या चल रहा है और हमने खरीदा था तब क्या प्राइस था। तो उनको आराम से इसका डिफरेंस पता चल जाएगा, इसलिए हम वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स, क्या क्या होता है वैल्यूएशन को करने का। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम फिक्स एसेट्स को वैल्यू करते हैं, है ना। तो ये एसेट के वैल्यूएशन का मेथड है। फर्स्ट है आपका कॉस्ट प्राइस मेथड, सेकेंड है मार्केट वैल्यू मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, बुक वैल्यू मेथड, टोकन वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। इन सभी को हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो हमारा फर्स्ट मेथड क्या है, दैट इज कॉस्ट प्राइस मेथड। यहाँ पे हम अगर एसेट की वैल्यूएशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ परचेस प्राइस ऑफ द एसेट। जितने में हमने एसेट को परचेस किया था उसके बेसिस पे हम वैल्यूएशन कर देंगे, और साथ ही साथ उसमें क्या ऐड करेंगे, एक्सपेंस को ऐड करेंगे, यानी कि उस एसेट को परचेस करने में कितने एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए उसको भी हम उसमें ऐड कर देंगे। अगर मैंने एक एसेट खरीदा जो 10,000 रुपए का था और उसमें उसको ट्रांसपोर्टेशन करवाने में, उसको इंस्टॉल कराने में हमारा 1,000 रुपये खर्चा आ गया, तो हमारा एक्सपेंस कितने का हो गया, 1,000 रुपये का, और परचेस प्राइस कितना था, 10,000 रुपया। तो टोटल जो हमारा एसेट का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 10,000 + 1,000, दैट इज 11,000 रुपीज। अगर हम कॉस्ट प्राइस मेथड से उसका वैल्यूएशन करेंगे तो उस एसेट का प्राइस हो जाएगा 11,000, यानी हमने जितने में खरीदा साथ ही साथ उसमें जितने एक्सपेंस लगे, उसको इंस्टॉल कराने में, उसको ट्रांसपोर्ट कराने में, उन सभी को उसमें ऐड करके। काफी सिंपल मेथड है। नेक्स्ट है हमारा मार्केट वैल्यू मेथड। मार्केट वैल्यू मेथड का क्या मतलब है कि आप एसेट का वैल्यूएशन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ दैट एसेट। अभी मार्केट में उस एसेट का जो प्राइस चल रहा है वो आपके एसेट का वैल्यू हो जाएगा। आप कुछ ऐसे भी नेचर के एसेट होते हैं जो फिलहाल मार्केट में अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप दो मेथड यूज करोगे। एसेट भी पुराने हो जाते हैं ना, तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो फिर कैसे पता लगाओगे कि अभी क्या मेरा मार्केट वैल्यू चल रहा है, एसेट का कैसे वैल्यूएशन करोगे। तो उसके लिए दो मेथड्स हैं, एक है रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, दूसरा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड को तब आप यूज करोगे जब आपको अपने एसेट को रिप्लेस करना है दूसरे किसी सेम टाइप के एसेट से। तब नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड को कब यूज करोगे, जब आपको कंप्लीटली अपने एसेट को सोल्ड कर देना है मार्केट में, है ना, कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना, कंप्लीट सेल बेच देना है। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द वैल्यू एट विच अ गिवन एसेट कैन बी रिप्लेस्ड। ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू में आपका जो एसेट है वो किसी दूसरे एसेट से रिप्लेस किया जा सकता है, सेम टाइप के एसेट से रिप्लेस किया जा सकता है, है ना। तो आप जैसे सपोज करो कि मुझे एक टीवी लेनी है और मेरे पास ऑलरेडी एक टीवी है, तो इस टीवी को मैं दुकानदार के पास जाऊं और बोलूं कि भाई मुझे इस टीवी को रिप्लेस करके दूसरी टीवी दे दो, ठीक है। तो अब जितने में उसने मुझे रिप्लेस करके दूसरी टीवी दे दी वही हो गया मेरा रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ दैट एसेट। उस एसेट का वैल्यू हम वही प्राइस कर देंगे जितने में मुझे रिप्लेस करके वो टीवी मिल गया, और ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट हुआ, रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड से। नेक्स्ट है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। इसका क्या मतलब कि आप किसी एसेट को मार्केट में जा करके जितने में बेच दो वो हो गया आपका एसेट का वैल्यू। लेकिन अगर आप उसको ले जाते हो तो आपका कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होगा ना। आप सपोज करो कि आप अपने एसी को बेचने जाते हो और वो बिक जाता है 1,000 रुपए में मार्केट में, 1,000 रुपए में बिक गया, तो आप जो जहां पे बेचते हो वहां पे जाने में, उसको कैरी करके ले जाने में आपका 500 रुपया खर्च हो जाता है, सॉरी 100 रुपए खर्च हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं, 500 रुपए, 100 रुपए खर्च हो जाते हैं।
तो आपका जो वैल्यू होगा ना एसी का वो हो जाएगा 900 रुपीज। 1000 तो आपने बेचा वो आ गया, लेकिन जो एक्सपेंडिचर लगेगा इस सेल को कंप्लीट करने में उसको आपको डिडक्ट करना है। तो 1000 रुपीज आपने बेच करके लिया, उसका वैल्यू हो गया, उसमें से जो एक्सपेंडिचर 100 रुपए लगा उसको आप माइनस करोगे तो फाइनल जो वैल्यू आएगा वो होगा 900 रुपए। 900 रुपए ही आपके एसेट का वैल्यू होगा विद द हेल्प ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। अब देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट लोग होते हैं जो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को फिक्स करते हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी फिक्स किया जाता है। और वो कैसे फिक्स किया जाता है? पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे फिक्स किया जाता है। तो इसी स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे आप अपने वैल्यू, आप अपने एसेट का वैल्यूएशन करो। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट वैल्यू मेथड। क्लियर है? अब है बुक वैल्यू मेथड। बुक वैल्यू मेथड का मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आपके एसेट का वैल्यू दिया गया है दैट इज बुक वैल्यू मेथड। तो अब एसेट का वैल्यू जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे दिया जाता है? कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। जितने में एसेट को खरीदा उसमें से जितने दिन यूज किया उसके डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ किया जाता है, और जो फाइनल जो फिगर होता है वो होता है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाया गया आपका एसेट का वैल्यू। नेक्स्ट है आपका गोइंग कंसर्न और हिस्टोरिकल वैल्यू और कन्वेंशनल वैल्यू और टोकन वैल्यू। कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी नाम बोल सकते हो, कहीं पे भी ये तीनों चारों नाम होंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर है? तो इसका क्या मतलब है कि इट इज इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट लेस रीजनेबल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। ये करीब करीब सेम ही होता है। क्या होता है? कॉस्ट में से रीजनेबल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कर दिया गया और जो वैल्यू आया एसेट का वही हो जाएगा आपका टोकन वैल्यू मेथड। लेकिन यहाँ पे जो आपका एसेट का प्राइस है उसमें किसी तरीके के फ्लक्चुएशन को हम नोटिस नहीं करेंगे। बढ़ रहा है, घट रहा है, इसको हम बिल्कुल भी नोटिस नहीं करेंगे। जितने में हमने खरीदा और जो एक फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको बस हम राइट ऑफ करेंगे और इसी तरीके से वैल्यूएशन फाइंड आउट करेंगे। उसके मार्केट प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है उसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करेंगे। क्यों नोटिस नहीं करेंगे? क्योंकि इस तरीके के मेथड से हम वैल्यू तभी फाइंड आउट करते हैं जब हम ये सोच करके ये एज्यूम करते हैं कि हाँ भाई ये जो एसेट है वो बिजनेस के यूज के लिए लाया गया है, ना कि रीसेल के लिए लाया गया। जब हमें बेचना ही नहीं है तो मार्केट में क्या फ्लक्चुएशन चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है आपका स्क्रैप वैल्यू। ये जो मेथड है ना ये क्या बताता है कि आप अपने एसेट को जब आप एज अ स्क्रैप बेचते हो तो उसका क्या वैल्यू आता है आपका। सपोज करो कि मैंने अपना टीवी या एसी बेच दिया है ना, तो उसको कबाड़ में बेच दिया, रद्दी के भाव में बेच दिया, तो उसका क्या मेरे को पैसा मिला। सपोज करो कि मैंने अपना टीवी बेच दिया, 1000 रुपए दिया, तो मेरे टीवी का वैल्यू क्या हो गया? 1000 रुपीज। दिस मेथड शोज द वैल्यू रियलाइज फ्रॉम सेल्स ऑफ एन एसेट एज स्क्रैप। अब जब आप एज ए स्क्रेप जब आप अपने एसेट्स को बेच रहे हो तो फिर आपका कितना पैसा आपके उस एसेट से मिला उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। देखो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे दैट इज ऑडिटर्स ड्यूटी एज रिगार्ड्स वैल्यूएशन। जो एक केस था ना किंगस्टन कॉटन मिल कंपनी का, उसमें बहुत से जो राइट्स थी, बहुत सी ड्यूटीज जो थी ऑडिटर की, उसके रिगार्डिंग बहस छिड़ी थी। तो उसमें ये बहुत क्लियर कट वे में बताया गया था कि ऑडिटर की ये ड्यूटी नहीं है कि वो वैल्यूएशन करे सारे एसेट्स का। उसका मेन काम क्या है कि वो केयरफुल होकर के सारे वैल्यूएशन को स्क्रूटनाइज करे कि जो वैल्यूएशन किया गया है वो प्रॉपर तरीके से किया गया है ना, किस बेसिस पे किया गया, किस मेथड को यूज करते हुए किया गया है। ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो चेक करे एक्यूरेसी को कि जो वैल्यू दी गई है, जो ऑफिसर ने वैल्यू फाइंड आउट किया है, वो एक्यूरेटली किया गया है या नहीं। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर की ये गारंटी होती है कि हाँ भाई मैं गारंटी लेता हूँ कि जो वैल्यूएशन की गई है वो एक्यूरेट की गई है। ये ऑडिटर पे कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर सकता क्योंकि ऑडिटर की ड्यूटी ही नहीं है एसेट को वैल्यू करने का। ये मेन ड्यूटी बनती है उस बिजनेस के कंसर्न्ड ऑफिसर की, वैल्यू करने का, वैल्यूएशन करने का। ये ऑडिटर की ड्यूटी
नहीं बनती, है ना। तो ये जुडिशियली एक्सेप्टेड है कि भाई जो ऑडिटर है वो वैल्यूअर नहीं होता, ना ही कोई टेक्निकल मैन होता है जिसके पास ये राइट हो कि वो वैल्यूएशन करे एसेट्स का। उसका मेन काम बस इतना है कि वो बस ये देखे कि जो वैल्यूएशन किया गया है वो प्रॉपर और एक्यूरेट है या नहीं, ठीक है। He has to certify only that the profit and loss shows true profit or loss of the year and balance sheet shows a true and fair view of the state of the affair of the company at the close of the year. उसका main और सिर्फ main काम क्या है कि वो ये certify करे कि जो profit and loss business के द्वारा बनाया गया है वो सही profit या सही loss reveal कर रहा है या नहीं, और जो balance sheet है वो ट्रू और फेयर व्यू कंपनी के बारे में बता रहा है या नहीं। बस उसका मेन काम क्या है कि वो थोड़ा सा केयरफुल रहे, थोड़ा सा फिगर को एनालाइज करे और इंक्वायरी करे कि किस बेसिस पे वैल्यूएशन किया गया है। जो भी एक्सपर्ट ने वैल्यूएशन किया है, जो भी ऑफिशियल ने वैल्यूएशन किया है, उसने किस बेसिस पे किया है, और जो फिगर दिखाए गए हैं उनको एनालाइज करे कि वो सही है या नहीं। वो उसके रिगार्डिंग टेक्निकल एक्सपर्ट जो वैल्यूएशन कर रहे हैं या फिर और भी उससे रिलेटेड जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे कन्वर्सेशन कर सकता है और खुद को सर्टिफाई कर सकता है कि भाई जो वैल्यूएशन मेरे सामने दिखाए जा रहे हैं, जो फिगर्स दिख रहे हैं, वो सही दिख रहे हैं या नहीं। और जो भी वैल्यूएशन किया गया है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए किया गया है या नहीं। अगर सपोज करो कि कोई एसेट है जिसको कि मार्केट वैल्यू पे वैल्यूएशन उसका किया गया है, तो ऑडिटर क्या करेगा, बेसिकली वो वैल्यूएशन खुद नहीं करेगा, वो बस क्या करेगा कि उस एसेट का मार्केट वैल्यू चेक कर लेगा कि देखो अभी अगर मार्केट उसमें बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू के बेसिस पे वैल्यूएशन करके 5,000 रुपया किसी एसेट का प्राइस लिखा गया या किसी इन्वेस्टमेंट का प्राइस लिखा गया है, तो वो चेक कर लेगा एट द टाइम कि भाई अभी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। तो मार्केट वैल्यू अगर 5,000 रुपए है देन इट्स गुड, अगर 5,000 रुपए नहीं है तो जिसने भी वैल्यूएशन परफॉर्म किया है उससे वो एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि भाई यहाँ तो 5,000 आपने मार्केट वैल्यू के बेसिस पे किया, तो मार्केट वैल्यू तो 5,000 रुपए आज के डेट में है ही नहीं, फिर अगर आपने डेविएशन किया है अपने चीज में तो उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर वो सर्टिफाई है कर देता है कि हाँ भाई मैं आपके बात से संतुष्ट हूं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो इंसान अपने लाइबिलिटी से फ्री हो जाता है उसी टाइम। क्लियर है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंस है वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन ऑफ एसेट का। तो ऑब्वियसली बात है जो एसेट या जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है उनका प्रॉपर वैल्यूएशन प्रॉपर वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपने जो बैलेंस शीट में एसेट या लाइबिलिटी अपीयर की है वो करेक्ट नहीं होगा तो ना तो आप सही प्रॉफिट पता कर पाओगे, ना सही लॉस पता कर पाओगे, ना ही कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन पता कर पाओगे अपने बिजनेस का, तो बहुत जरूरी है। तो देखिए इसको हम बहुत सारे पॉइंट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट है शोइंग द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन, नोइंग द रियल पोजीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंक्रीज गुडविल, एश्योर शेयर होल्डर्स, इजी फॉर सेल, इजी टू गेट लोन, इजी टू गेट कंपेंसेशन। इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट क्या, दैट इज शोइंग द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट जो प्रिपेयर किया जाता है वो क्या बताता है, कंपनी का एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन। कि अब ये जो वैल्यूएशन है ना, अगर वो सही तरीके से नहीं किया गया तो क्या बैलेंस शीट कभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। दैट मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन वो रियल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन काफी एसेंशियल होता है। नेक्स्ट है एसर्टेनिंग द रियल पोजीशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस ऑन एसेट विल बी इनकरेक्ट इफ प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज नॉट मेड। So to calculate the actual amount of profit or loss, proper valuation of asset and liability is necessary. अगर आपके जो assets हैं, जो liability हैं, जो balance sheet में appear हो रहे हैं, उनकी correct value नहीं पता चलेगी, तो क्या आप समझ पाओगे कि कभी भी आप सही profit या सही loss पे पहुंच पाओगे, बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए proper valuation और verification बहुत ही necessary होता है। इंक्रीज इन गुडविल, देखो प्रॉपर वैल्यूएशन अगर होगा तो दैट मीन्स कि लोगों तक आपका जो बिजनेस है उनका फेयर इंफॉर्मेशन पता चल पाएगा रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जो भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन होगा, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होगी,
उसका एक फेयर इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाएगा, जिसके कारण से लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिलेगा टुवर्ड्स द कंपनी। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना पब्लिक का, ये कहीं ना कहीं आपके गुडविल को इंक्रीज करता है। अगर आपके कंपनी के तरफ लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपके कंपनी का जो गुडविल होगा वो इंक्रीज करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है एश्योर सेफ इन्वेस्टमेंट टू शेयर होल्डर। देखो वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन जो होता है ना वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो अगर किसी शेयर होल्डर को कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन सही पता है, दैट मीन्स कि वो काफी सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने सेफ्टी का एश्योरिटी लेकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ऊपर नीचे प्राइस का होना तो अलग बात है, लेकिन किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन शेयर होल्डर के साथ नहीं होता। दैट मीन्स कि वो सेफ होते हैं, उनकी एश्योरिटी होती है, सेफ्टी की एश्योरिटी होती है। नेक्स्ट क्या है, इजी फॉर सेल। अगर आपको कंपनी को सेल करना है ना, सेल ऑफ द कंपनी का अगर टाइम हो गया, उस केस में इट कैन बी सोल्ड एट द प्राइस विच इज एंटाइट एनलिस्टेड इन द बैलेंस शीट, बट द एसेट वॉज वैल्यूएशन इज नॉट मेड नीड वैल्यूएशन बिफोर सेलिंग द कंपनी। अब वैल्यूएशन काफी हेल्प करता है अगर आपको कंपनी को सेल करना है तो। क्या होता है, बैलेंस शीट में जो भी चीजें एनलिस्टेड हैं उनका आप आराम से पता लगा पाते हो कि भाई मेरे कंपनी का कितना प्राइस होने वाला है। लेकिन अगर एसेट्स वैल्यूड नहीं रहेंगे तो भाई बेचने के पहले आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब लोन पाने में भी काफी आसान हो जाता है अगर आप कंपनी डिस्क्लोज कर दे बैलेंस शीट को जो कि ऑडिटर के द्वारा प्रूव्ड हो। तो भाई पब्लिक नॉलेज जो होता है ना, वो पब्लिक का जो एटीट्यूड होता है वो काफी पॉजिटिव हो जाता है और कंपनी पे ट्रस्ट काफी हो जाता है। तो इस तरीके की कंपनी जिनका की पब्लिक में डिस्क्लोज्ड होता है सारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो उनको काफी इजीली लोन मिल जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है इजी टू गेट कंपेंसेशन व्हेनेवर लॉस अकर ड्यू टू एनी इंसिडेंट, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स कंपेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द एसेट। अब किसी भी तरीके का लॉस अगर आ गया तो अगर आपने एसेट्स को इंश्योर्ड करा रखा है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसी वैल्यूएशन के बेसिस पे आपको कंपेंसेशन देती है। तो कहीं ना कहीं काफी इजी हो जाता है कंपेंसेशन पाना भी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।